हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों, यह जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट जो 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो है और इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो और MCQs का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस चैप्टर का जो एक वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम अपलोड किए हैं, जिसमें हम आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चंस और उसके आंसर का अध्ययन कराए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आप लोगों को उसे सर्च करना है तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 60 क्वेश्चन आंसर बाई अशोक सर करके आप लोग सर्च कर सकते हैं और इसका जो पैसेज बेस्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आप लोगों को 3 पार्ट में कराए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस चैप्टर का जितना भी वीडियो चैनल पर अपलोड है आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और उसका आंसर क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, डिस्कस द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, हु टुक ओथ इन द सेरेमनी और वाई इज द इनॉग्रेशन कॉल्ड ए हिस्टोरिक वकेशन फॉर साउथ अफ्रीका। अब देखिए, इसको आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए तो फिर इसके आंसर को देने में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक एक शब्द का अर्थ को बताते हुए हम आपको क्लियर कराएंगे ताकि आप लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें सेट हो जाएं और एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से लिख सकें। अब पहले क्वेश्चन में कहा है कि डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करना, तो बातचीत कीजिए यानी कि डिस्कस कीजिए द सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य, दृश्य पर ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह था। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, यानी उद्घाटन समारोह के दृश्य पर डिस्कस कीजिए, यानी उस पर अपना विचार विमर्श कीजिए वहाँ पर किस प्रकार से क्या हुआ था। और आगे क्वेश्चन पूछा है कि हु मीन्स कौन टुक ओथ, टुक मीन्स लिया, ओथ मीन्स शपथ, कौन शपथ लिया इन द सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, और उस समारोह में शपथ कौन लिया। आगे भी हमसे क्वेश्चन बोला है कि वाई इज द इनॉग्रेशन, और वाई मीन्स होता है क्यों, इज है इनॉग्रेशन, ये जो उद्घाटन था कॉल्ड, इसको क्यों कहा गया हिस्टोरिक वकेशन, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, वकेशन का मतलब होता है अवसर, फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए, यानी कि इस उद्घाटन को ऐतिहासिक अवसर साउथ अफ्रीका के लिए क्यों कहा गया। यानी हम लोगों का जो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो उद्घाटन समारोह था उस पर चर्चा कीजिए, और कौन था जो समारोह में शपथ लिया था, और उस समारोह में यानी उस उद्घाटन समारोह को जो है ऐतिहासिक अवसर साउथ अफ्रीका के लिए क्यों कहा गया, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इन सब का आंसर हम देखते हैं कि इन सब का आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर है हम लोगों का, इट वाज द ब्राइट एंड क्लियर डे ऑफ 10 मई 1994। अब देखिए, इट वाज, यह था, द ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, एकदम धूप वाला, एंड और क्लियर, क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ स्पष्ट, डे मीन्स होता है दिन, आप 10 मई यानी 10 मई 1994 का, यानी कि यह 10 मई सन 1994 का एकदम धूप वाला साफ दिन था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, और उद्घाटन समारोह टुक प्लेस, हुआ, टुक प्लेस का मतलब होता है होना, हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग की एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगशाला, इन प्रिटोरिया में, यानी कि यह जो उद्घाटन समारोह था यह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में हुआ।
आगे देखिए, द मोस्ट फेमस, मोस्ट मीन्स होता है अधिक, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, वर्ल्ड लीडर्स संसार के नेतागण, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, लीडर मीन्स होता है नेता, तो संसार के अत्यधिक फेमस नेता एंड और रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी संसार के अत्यधिक नेतागण और प्रतिनिधि गैदर्ड देयर, गैदर्ड मीन्स होता है एकत्रित होना, देयर मीन्स वहाँ पर एकत्रित हुए। आगे देखिए, द जनरल्स, और जो जनरल्स थे एंड और पुलिस ऑफिसर, और जो पुलिस अधिकारी थे, आल्सो देयर, आल्सो माने भी, देयर मीन्स वहाँ, यानी कि वहाँ के जो जनरल्स थे और जो पुलिस अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वो भी वहाँ पर थे, वो सब भी थे, और दे हैड मेडल्स, और दे हैड मेडल्स, उनके पास मेडल्स था एंड और रिबन्स और फीते थे, कहाँ पर, ऑन दियर चेस्ट, चेस्ट में सोता है सीना, और उनके सीनों पर जो है रिबन लगा हुआ था, यानी कि रेशम के जो पतले पतले फीते होते हैं वो लगा हुआ था, और उनके सीने पर मेडल भी लगा हुआ था, ऐसे वहाँ पर पुलिस अधिकारी भी थे। साउथ अफ्रीकन जेट्स, और जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थी, यानी कि जो विमान थी, हेलीकॉप्टर्स, और साउथ अफ्रीका की जो हेलीकॉप्टर्स थी एंड और ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स का मतलब हो जाएगा सैन्यवाहक, और जो सैन्यवाहक था वो रोर्ड, रोर्ड मीन्स होता है दहाड़ना, वह दहाड़ रहा था इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब होगा पूर्ण गठन, पूर्ण गठन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के, यानी इस बात को आप लोग समझ लेंगे कि वहाँ पर जो है जो पुलिस अधिकारी थे, जो जनरल्स थे, उन लोगों के सीने पर मेडल और फीते लगे हुए थे, साउथ अफ्रीका की जो जेट्स विमान थी, हेलीकॉप्टर्स थी, सैन्यवाहक जो था ये यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ रही थी, और क्यों दहाड़ रही थी, क्योंकि परफेक्ट फॉर्मेशन हुआ था, परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है पूर्ण गठन, यानी कि जो नेल्सन मंडेला की नई सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसी के सम्मान में ये सब ऊपर दहाड़ रही थी। फर्स्ट, पहले, ऑफ ऑल, सबसे, यानी सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क, जो मिस्टर डी क्लर्क थे वे, देन तब, उनके बाद टाबो मेम की, उसके बाद टाबो मेम की एंड देन, और तब नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला टुक द ओथ, टुक मीन्स लिए द ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, कसम, यानी सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क, उसके बाद टामो मेम की, उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है शपथ लिए, तीनों लोग बारी बारी से लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, कैन बी कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड कहा गया था, यानी कि इस उद्घाटन को कहा जा सकता है ए हिस्टोरिक वोकेशन, एक ऐतिहासिक अवसर, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक और वोकेशन का मतलब होता है अवसर, फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए, एज, जैसा कि, एज मीन्स जैसा, जैसा कि ऑन दिस डे, इस दिन पर, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट मीन्स पहली, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक, और गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार, वाज मीन्स थी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड मीन्स होता है स्थापित होना, जैसा कि इस दिन पर पहली लोकतांत्रिक सरकार जो है साउथ अफ्रीका में स्थापित हुई थी, यानी पूरे का आप लोग अर्थ समझेंगे तो जैसा कि ये जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, इसको ऐतिहासिक अवसर कहा जा सकता है साउथ अफ्रीका के लिए, जैसा कि इस दिन पर पहली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी, इंस्टॉल हुआ था, इट वाज, और इट वाज यह था एन एंड, एक अंत था, और ये जो सरकार बनी नेल्सन मंडेला की, तो यहीं से अंत हो गया था, आप मोर देन, मोर देन का मतलब होता है अत्यधिक, मोर मीन्स अधिक, देन थ्री सेंचुरीज, थ्री सेंचुरी का मतलब होता है तीन शताब्दी, ऑफ द वाइट रूल, वाइट रूल का मतलब होगा जो गोरे लोगों का वहाँ पर शासन था, वाइट रूल का मतलब होता है जो गोरे लोगों का शासन, यानी गोरे लोगों का जो तीन शताब्दी से, तीन सेंचुरी से वहाँ पर राज था, जो शासन था, उसका यह अंत भी था, यहीं से उन लोगों का के रूल का अंत हुआ, वाइट लोगों के। नेल्सन मंडेला बिकेम,
और मिनेंसन मंडेला बिकेम मीन्स बन गए द फर्स्ट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ब्लैक मीन्स हो जाएगा अश्वेत, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका के पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बन गए या हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस किया शपथ समारोह पर, कौन कौन वहाँ पर शपथ लिए और क्यों जो है ऐतिहासिक अवसर उसे कहा गया, तो ये सब हम लोगों का क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और उसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर मंडेलाज ओपिनियंस अबाउट द फर्स्ट एंड लास्ट डिकेट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। व्हाट वेयर, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थे मंडेला के ओपिनियंस, ओपिनियंस का मतलब होता है राय, यानी मंडेला की क्या राय थी अबाउट बारे में फर्स्ट पहले एंड लास्ट और आखिरी, डिकेट्स का मतलब होता है दशक, आप 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी का मतलब होगा 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले और आखिरी दशक के बारे में नेल्सन मंडेला की क्या ओपिनियन थी, क्या राय थी, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझिए, वाई डज ही से, वाई मीन्स क्यों, डज ही से, ही मीन्स वह नेल्सन मंडेला, से मीन्स कहें, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन के दिन पर, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन, तो उद्घाटन के दिन पर वह क्यों कहें दैट कि ही वाज, वह थे ओवर ब्लेम्ड, ओवर ब्लेम्ड का मतलब होता है व्याकुल, विथ ए सेंस याद में आप हिस्ट्री इतिहास के, यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे वह क्यों कहें कि वह उद्घाटन के दिन जो है इतिहास की याद में जो है पूरी तरह से इतिहास की याद के साथ व्याकुल थे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्यों, फिर से इसको समझिएगा, वाई डज ही से, वाई डज ही से यानी वह क्यों कहें ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह के दिन पर दैट की ही वाज ओवर ब्लेम्ड, वह बहुत व्याकुल थे, ओवर ब्लेम्ड मीन्स व्याकुल, विद द सेंस समझ से आप हिस्ट्री इतिहास के, इतिहास की याद या इतिहास की समझ के साथ वह व्याकुल क्यों थे, ऐसा उन्होंने उस दिन पर क्यों कहा, तो उनको जो है पिछली बातें याद आ गई थी। आइए देखते हैं इसका आंसर, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, ऑन मीन्स होता है पर, द डे, डे मीन्स दिन, ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन, उद्घाटन के दिन पर द स्पीकर, अब स्पीकर यहाँ पर मंडेला को ही कहा गया है क्योंकि मंडेला भाषण दे रहे थे, तो स्पीकर यानी वक्ता, वक्ता का जो माइंड था, जो मस्तिष्क था, उनका जो दिमाग था वो वेंट बैक, वेंट मीन्स चला गया था, बैक मीन्स वापस, टू हिस्ट्री इतिहास में, यानी कि मंडेला का या जो स्पीकर वक्ता थे मंडेला उद्घाटन के दिन पर, इनका जो माइंड था, जो मन था, जो मस्तिष्क था, वह पूरी तरह से पिछले इतिहास में चला गया था। ही रिमेम्बर्ड, ही मीन्स वह रिमेम्बर्ड याद कर रहे थे, रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना, वह याद कर रहे थे द फर्स्ट डिकेट, फर्स्ट मीन्स पहले, डिकेट मीन्स होता है दशक, वह पहले दशक को याद कर रहे थे, वेन जब द वाइट्स, जब गोरे लोग रूल्ड शासन करते थे ओवर साउथ अफ्रीका, पूरे साउथ अफ्रीका में, यानी कि वह 20वीं शताब्दी के पहले दशक की उनको याद आ गई थी जब पूरे साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का राज था, शासन था, एंड और दे मेड, दे मीन्स वे जो गोरे लोग थे, मेड मीन्स बना दिए थे, ए डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, वे एक भेदभाव बना दिए थे गोरे लोग अगेंस्ट, विपरीत, खिलाफ द ब्लैक्स, काले लोगों के, वे काले लोगों के खिलाफ एक भेदभाव उत्पन्न कर दिए थे, जो गोरे लोग थे काले लोगों से बहुत भेदभाव रखते थे, और दे बुल्ट, दे मीन्स वे बुल्ट निर्माण कर दिए थे ए सिस्टम, एक सिस्टम का, एक प्रक्रिया का, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल का मतलब होता है जातीय और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और वह एक जातीय यानी जात के आधार पर एक सिस्टम बुल्ट कर दिए थे, बना दिए थे अगेंस्ट द ब्लैक, काले लोगों के खिलाफ। आगे देखिए, दियर बिहेवियर, और उन गोरे लोगों का जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वाज फुल ऑफ,
वाज मीन्स था, फुल मीन्स भरा हुआ, आ क्रुअल्टी, क्रुअल्टी का मतलब होता है निर्दयता, एकदम उन लोगों का व्यवहार निर्दयता से भरा हुआ था, एकदम क्रूअल स्वभाव हो गया था उन लोगों का। और दे मीन्स वे मेटेड आउट, मेटेड आउट का मतलब होता है व्यवहार करना, तो वे व्यवहार करते थे गोरे लोग इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय ट्रीटमेंट व्यवहार करते थे टू ब्लैक्स, काले लोगों के साथ या अश्वेत लोगों के साथ, यानी वे अश्वेत लोगों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे। बट लेकिन नाउ अब इन द लास्ट डिकेट, बट लेकिन नाउ अब इन द लास्ट, लास्ट मीन्स आखिरी, डिकेट मीन्स होता है दशक, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में आप दिस कंट्री, इस देश के, इस देश के 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में दिस क्रूअल सिस्टम, दिस माने यह जो क्रूअल निर्दयी सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, प्रक्रिया थी, वाज मीन्स थी ओवरटर्नड, ओवरटर्न का मतलब होता है बदल जाना, एकदम बदल गई थी। लेकिन अब जो है वो सिस्टम जो था, निर्दयता का जो सिस्टम था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ से इसको फिर से समझिएगा, बट लेकिन नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, आखिरी दशक में आप दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के, यहाँ पर सेंचुरी है यानी कि इस शताब्दी के, अर्थात 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में यह जो क्रूअल सिस्टम था, ये जो निर्दयता की प्रक्रिया थी, वाज ओवरटर्न, वह पूरी तरह से ओवरटर्नड हो गई थी, अर्थात बदल गई थी। नाउ अब ए न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम वहाँ पर बन, नया सिस्टम रिप्लेस्ड इट, रिप्लेस्ड हो गया था यानी कि पुनः स्थापित हो गया था। अब वहाँ पर एक नई, नया सिस्टम जो है, एक नई प्रक्रिया वहाँ पर स्थापित हो गई थी। और नई प्रक्रिया क्या थी, इट वाज द फर्स्ट, इट वाज, यह थी फर्स्ट, पहली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक और गवर्नमेंट, सरकार, आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की, अब वहाँ पर एक नई साउथ अफ्रीका की लोकतांत्रिक सरकार थी। नाउ अब देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नाउ मीन्स अब, देयर मीन्स वहाँ, विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, अब वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऑन द बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार, आधार पर आप कलर, कलर मीन्स होता है रंग, चमड़ी, यानी कि कलर मीन्स होता है रंग, यानी रंग का मतलब होगा जो चमड़ी का भेदभाव था, यानी अब वहाँ पर रंग के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दैट इज वाई, और दैट इज, यही है कि वाई मीन्स क्यों, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, ऑन द डे, दिन पर, ऑफ इनॉग्रेशन, यानी यही है कि क्यों, उद्घाटन के दिन पर, ही वाज ओवर ब्लेम्ड, वह अभिभूत हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, विथ ए सेंस, एक याद के साथ, एक समझ के साथ, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, वह इतिहास की याद के साथ क्यों बहुत व्याकुल हो गए थे, यही वजह थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को आप लोग समझें, जो डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं उसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिखें और उसको तैयार कर लें। देखिए, व्हाट डज मंडेला थिंक, यहाँ पर डज है, तो व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। अब देखिए, व्हाट मीन्स क्या, डज द मंडेला, मंडेला जो थे वो थिंक, सोचते थे, अबाउट मीन्स बारे में, द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त, यानी जो मंडेला थे वह देशभक्तों के बारे में क्या सोचते थे। और कैन दे बी रिपेड, तो कैन मीन सकना, क्या वे भुगतान कर सकते थे, यानी क्या वे उनके एहसानों को, उनके त्यागों को जो है चुका सकते थे, रिपेड का मतलब होता है पुनः चुका देना, तो क्या वह उनके योगदान को पुनः चुका सकते थे, और उनके बारे में क्या सोचते थे जो देशभक्त थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या सोचते हैं। नेल्सन मंडेला थिंक्स, नेल्सन मंडेला थिंक्स, सोचते हैं दैट कि द फ्रीडम, ये जो आज़ादी है, फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी, तो नेल्सन मंडेला सोचते हैं दैट कि द फ्रीडम, आज़ादी, एंड और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और यह जो लोकतांत्रिक सरकार आज बनी है,
और हम लोग आज जो आजाद हुए हैं, हैव आल, आल मीन्स सब, यह सब जो है कम मीन्स आया है या हुआ है ओनली केवल ड्यू टू ग्रेट सैक्रीफाइसेज। ड्यू मीन्स होता है कारण, ग्रेट मीन्स होता है बड़े, और सैक्रीफाइसेज का मतलब होता है बलिदान, एक बड़े बलिदान के कारण आया है। आप थाउजेंड हजारों आप पैट्रियट्स जो देशभक्त हैं, यानी वो कहते हैं कि ये जो आज हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी फ्रीडम मिली है और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट यहाँ पर चुनी गई है पूर्ण बहुमत से, ये सब केवल उन्हीं के कारण हुआ है। यानी कि जो हजारों देशभक्त जो है त्याग किए हैं, अपने जीवन को बलिदान किए हैं, उन्हीं के कारण हो पाया है। दे वेयर, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, दोज मीन्स वे, मैन मीन्स पुरुष। अब वे वो पुरुष थे, देशभक्तों की बात की जा रही है नेल्सन मंडेला के द्वारा, कि वे वो पुरुष थे हूँ जो डिड नॉट केयर, केयर मीन्स होता है परवाह करना, जो परवाह नहीं किए अबाउट, बारे में दियर लिव्स, अपने जीवन के, जो अपने जीवन के बारे में परवाह नहीं किए एंड और डाइड, मर गए, उनकी मृत्यु हो गई फॉर दियर पीपुल, अपने लोगों के लिए एंड कंट्री, और अपने देश के लिए। पीपुल मीन्स होता है लोग और कंट्री मीन्स होता है देश। यानी मंडेला यहाँ पर बता रहे हैं कि वे वो लोग थे, ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन की, जीवन का परवाह नहीं किया, और वे अपने देश और अपने लोगों के खातिर क्या हो गए कि अपने प्राण को त्याग दिए। आगे देखिए, दे कैन नॉट बी रिपेट, उनके एहसानों को रिपेट नहीं किया जा सकता, अतः उनके एहसानों को चुकाया नहीं जा सकता। ही थिंग्स, वह सोचते हैं, ही मीन्स वह नेल्सन मंडेला, थिंग्स सोचते हैं, हिमसेल्फ स्वयं, द सम, सम का मतलब होता है योगदान, उनके योगदान के बारे में सोचते हैं, ऑफ ऑल दोज, उन सभी के, यानी नेल्सन मंडेला स्वयं उन सभी के योगदान के बारे में सोचते हैं, सम के बारे में सोचते हैं, हूँ जो हैड सैक्रिफाइस्ड, हूँ जो हैड सैक्रिफाइस्ड, जो त्याग दिए हों, बलिदान कर दिए हों, दियर लिव्स, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जो त्याग दिए हैं, उनके योगदान को नेल्सन मंडेला थिंक्स करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। नाउ अब ही रेग्रेट्स, नाउ मीन्स अब ही, वह नेल्सन मंडेला रेग्रेट्स कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। रेग्रेट्स माने होता है पश्चाताप करना, दुख करना। दैट कि ही वॉज नॉट एबल, कि ही वाज, वह थे, नॉट मीन्स नहीं, एबल मीन्स समर्थ, टू थैंक देम, थैंक मीन्स धन्यवाद करना, देम मीन्स उनका। अब नेल्सन मंडेला इस चीज़ के लिए भी पश्चाताप कर रहे हैं कि अब वह उन लोगों का धन्यवाद भी नहीं कर सकते जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए, अर्थात वो मर गए हैं, तो अब उन्हें धन्यवाद भी नहीं कर सकते, इसका पश्चाताप था नेल्सन मंडेला को। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अब देखिए अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार, द पॉलिसी ऑफ एपार्थीट, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, ऑफ एपार्थीट, एपार्थीट का मतलब होता है रंगभेदी। अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार ये जो रंगभेदी की नीति थी, ए ग्रेटली उंडेड, ग्रेटली मीन्स होता है एकदम बड़े तरीके से, उंडेड मीन्स घाव कर दी थी, चोटिल कर दी थी द पीपुल, लोगों को। यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार जो रंगभेदी की नीति थी, वह उनके लोगों को, उनके पीपुल को ग्रेटली उंडेड, मतलब बुरी तरह से घायल कर दी थी। और इट वाज हार्ड, इट वाज यह था, हार्ड मीन्स मुश्किल, टू रिकवर, रिकवर का मतलब होता है भरना, और इस घाव को भरना बड़ा हार्ड था, बड़ा मुश्किल था। इट वुड टेक मच टाइम, और यह घाव भरने में, टेक मीन्स ले सकता है, लेगा क्या, मच टाइम, मच टाइम का मतलब होता है अधिक समय, और यह घाव भरने में अधिक समय लगेगा, ऐसा नेल्सन मंडेला कहें, जो गोरे लोग चोट दिए थे या जो रंगभेदी की नीति चोट दी थी, वह बहुत बुरी तरह से घायल कर दिए थे लोगों को, और इसको भरना बहुत मुश्किल था, और ये बहुत समय लेगा भरने में। दीज ग्रेट पैट्रियट्स, और दीज मीन्स ए, जो ग्रेट माने महान पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, वेयर मीन्स थे। अब देखें यहाँ पर देशभक्तों के नाम दिए गए हैं कि साउथ अफ्रीका के जो ग्रेट पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, वो कौन कौन थे, तो ओलिवर टैम्बो, एक नाम था ओलिवर टैम्बो, दूसरा नाम था वाल्टर सिसुलस, तीसरा नाम था लूथुलिस, और चौथा नाम था डैडू, और पांचवा नाम था फिशर, और छठा नाम था सोबुकवे।
सोबुक्वे, तो इत्यादि ये सब नाम थे जो कि साउथ अफ्रीका के महान देशभक्त थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और उसका आंसर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग समझें, आप लोगों को समझ में आएगा। व्हाट आइडियाज, व्हाट मीन्स क्या, आइडियाज मीन्स होता है विचार, डज मंडेला है, मंडेला के पास था, यानी व्हाट आइडियाज, क्या विचार जो है मंडेला के पास था, अबाउट बारे में, करेज साहस के, लव प्रेम के, एंड हेट और नफरत के, यानी कि नेल्सन मंडेला के पास नफरत प्रेम और करेज के बारे में क्या विचार था, क्या आइडियाज था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए मंडेला जो थे वो करेज के बारे में क्या सोचते थे, लव के बारे में क्या सोचते थे, और हेट के अर्थात नफरत के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनके आइडियाज थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं मंडेला के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू मंडेला यानी कि मंडेला के अनुसार, ही लर्नड, ही मीन्स वह लर्नड, सीखे द मीनिंग, मीनिंग मीन्स होता है अर्थ ऑफ करेज, साहस का, करेज मीन्स होता है साहस, मीनिंग मीन्स होता है अर्थ, फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, यानी कि मंडेला के अनुसार मंडेला जो है साहस का अर्थ अपने साथियों से सीखें, कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, करेज मीन्स साहस, मीनिंग मीन्स अर्थ, और लर्न मीन्स होता है सीखना, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, यानी मंडेला जो थे वह करेज के यानी साहस के अर्थ को अपने साथियों से ही क्या किए थे, सीखे थे। आगे देखिए दे स्ट्रगल, दे मीन्स वे, जो उनके साथी थे वो स्ट्रगल्ड किए, स्ट्रगल्ड का मतलब होता है संघर्ष करना, वे संघर्ष किए वेरी हार्ड, बहुत कठिन, वेरी हार्ड का मतलब होता है बहुत कठिन, वे बहुत कठिन संघर्ष किए फॉर द फ्रीडम, फॉर मीन्स के लिए, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, आज़ादी के लिए, ऑफ द कंट्री देश के, यानी कि वे देश की आज़ादी के लिए बहुत कठिन संघर्ष किए। दे डिड नॉट केयर, दे मीन्स वे डिड नॉट केयर, केयर का मतलब परवाह करना, वह परवाह नहीं किए फॉर दियर लिव्स, अपने जीवन का, अपने प्राणों की वो परवाह नहीं किए, अपने जीवन का परवाह वो सब नहीं किए। दे सैक्रीफाइस्ड, दे मीन्स वे सैक्रीफाइस्ड, त्याग दिए, बलिदान कर दिए एवरी थिंग, सभी चीज़ों को, एवरी थिंग मीन्स होता है सभी चीज़, सभी चीज़ों को सैक्रीफाइस्ड कर दिए, त्याग दिए फॉर दियर पीपुल, अपने लोगों के लिए, एंड कंट्री और अपने देश के लिए, और जो उसके उनके साथी थे वह अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए जो है अपने सभी चीज़ों का बलिदान कर दिए। दे डिड नॉट, दे मीन्स वे डिड नॉट ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है टूटना, लेकिन उनके जो साथी थे वे टूटे नहीं, बिफोर मीन्स सामने, द ब्रूटेलिटी, ब्रूटेलिटी का मतलब होता है अत्याचार, ऑफ द ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स का मतलब होता है उत्पीड़क, जो सताने वाले थे, यानी जो वहाँ पर ऑपरेसर्स थे यानी जो गोरे लोग थे, जो सताने वाले लोग थे, उनके ब्रूटेलिटी का मतलब होता है अत्याचार, उनके अत्याचार के सामने भी ये सब टूटे नहीं, यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। दे डिड नॉट ब्रेक, वे टूटे नहीं, बिफोर मीन्स सामने, द ब्रूटेलिटी अत्याचार के, ऑफ द ऑपरेसर्स उत्पीड़कों के, वे उत्पीड़कों के अत्याचार के सामने टूटे नहीं, बिल्कुल मजबूती से खड़े रहें। और दे सोब्ड, दे मीन्स वे, सोब्ड मीन्स दिखाएं दियर अपना फुल स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति, उन लोगों के सामने, फुल मीन्स पूरी, स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति ताकत, तो उन लोगों के सामने ये जो इनके साथी थे वे पूरी शक्ति को दिखाएं, टूटे नहीं। सो इसलिए मंडेला जो थे वो लर्नड, सीखें, लर्न मीन्स होता है सीखना, करेज माने साहस, फ्रॉम देम उनसे, इस प्रकार जो मंडेला थे उन्हीं लोगों से साहस को सीखे थे कि मैं भी जो है इन लोगों के अत्याचार के सामने कभी झुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं, या फिर कभी जो है टूटूंगा नहीं, ये कह सकते हैं। आगे देखिए टू हिम, टू हिम उनके लिए, मंडेला के लिए, करेज मीन्स, करेज का मतलब है, करेज मीन्स होता है साहस का, साहस और मीन्स का मतलब होता है अर्थ, यानी मंडेला के लिए साहस का अर्थ है नॉट द अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, यानी मंडेला के अनुसार करेज का अर्थ है अनुपस्थिति नहीं, आप फियर भय की, यानी मंडेला के अनुसार भय की अनुपस्थिति नहीं है,
यानी मंडेला के अनुसार जो करेज का अर्थ है वह भय की अनुपस्थिति नहीं है कि अगर हमारे अंदर भय नहीं है तो हम साहसी हो गए, ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन द विक्टोरी ओवर इट, विक्टोरी का मतलब होता है विजय प्राप्त करने कर लेना, और ओवर इट, ओवर मीन्स होता है के ऊपर, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना जो है करेज है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि मंडेला के अनुसार जो है भय अगर हमारे अंदर नहीं है, भय की जो है अनुपस्थिति है, तो इसका मतलब नहीं है कि यही साहस है। साहस का मतलब है कि हम भय पर विजय प्राप्त कर लें, ये जो है साहस है। आगे देखिए, द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, बहादुर पुरुष, इज वन, इज मीन्स है, वन मीन्स वह एक, यानी कि बहादुर व्यक्ति वह है हूँ जो कांकर्स, कांकर मीन्स होता है जीतना, जो जीत ले फियर मीन्स भय को, यानी बहादुर व्यक्ति वह है जो भय को जीत ले, भय पर विजय प्राप्त कर ले। कांकर मीन्स होता है जीतना और विक्टोरी का मतलब होता है विजय प्राप्त करने लेना। ऐसा नहीं कि हम लोगों के अंदर भय नहीं है तो हम लोग साहसी हो गए, नहीं, भय पर विजय प्राप्त कर लो और भय को जीत लो तब आप साहसी कहे जाएंगे। आगे देखिए, नो मैन, नो मैन कोई भी आदमी, कोई भी आदमी इज बॉर्न, पैदा नहीं है, यानी नो मैन इज बॉर्न, कोई भी आदमी बॉर्न नहीं है, पैदा नहीं है। हेटिंग, नफरत करने के साथ साथ नफरत करने के लिए एनादर मैन, दूसरे आदमी से। ड्यू टू कलर, उसके रंग के कारण, कलर मीन्स होता है रंग। एंड और रिलीजियन, रिलीजियन का मतलब होता है धर्म। इस बात को आप लोग समझेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी से उसके रंग को देखकर, उसके धर्म को देखकर के नफरत के साथ नहीं पैदा होता, यानी कि यहाँ पर हम इसका अर्थ कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्म से, रंग से, दूसरे आदमी से नफरत करने के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि नफरत जो है उसको यहीं पर सिखाई जाती है, क्योंकि वह पैदाइशी नफरती नहीं होता है कि पैदा ही हुआ तो वो कलर का भेदभाव करने लगे, धर्म का भेदभाव करने लगे, हिंदू मुस्लिम करने लगे, गोरा काला करने लगे, ऐसा कोई व्यक्ति जन्म से पैदा नहीं होता है। लव कम्स, अब वो बता रहे हैं कि लव जो प्रेम है वो कम्स आता है मोर नेचुरली, मोर मीन्स होता है अधिक और नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से, जो प्रेम है वह अधिक स्वाभाविक ढंग से आता है, तरीके से आता है टू द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन मीन्स होता है मानव और हार्ट मीन्स होता है दिल, हृदय। देन हेट, देन मीन्स अपेक्षा, हेट मीन्स होता है नफरत, यानी यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के दिल में नफरत की अपेक्षा जो प्रेम है वह बहुत ही नेचुरली तरीके से आता है, यानी कि व्यक्ति को नफरत करना काफ़ी सिखाना पड़ता है लेकिन व्यक्ति को प्रेम करना नहीं सिखाना पड़ता, क्योंकि जो प्रेम है वह बहुत नेचुरली जो है मानव के हृदय में आ जाता है। इसी बात को यहाँ पर वो बता रहे हैं, लव कम्स, प्रेम आता है मोर नेचुरली, बहुत ही नेचुरली तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में। देन हैट, नफरत की अपेक्षा, नफरत जल्दी नहीं होती है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बोथ, दोनों, ऑप्रेसर, ऑप्रेसर का मतलब होता है उत्पीड़क, सताने वाला। तो मंडेला के अनुसार जो ऑप्रेसर है यानी उत्पीड़क है, सताने वाला है, एंड और द ऑप्रेस्ड, और जो सताया जाता है, ऑप्रेस्ड किया जाता है यानी कि जो सताया जाता है, यानी मंडेला के अनुसार दोनों लोग, जो सताया जाता है वो भी और जो सताता है वो भी, दोनों लोग आर प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं आप हेटर्ड, नफरत के, ये दोनों लोग जो है नफरत के कैदी हैं, यानी जुर्म करना पाप तो जुर्म को सहना पाप। तो यहाँ पर उसी बात को बताया जा रहा है कि मंडेला के अनुसार सताने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी, दोनों लोग जो है नफरत के कैदी हैं। नो वन कैन बिकम, आगे बता रहे हैं, नो वन, कोई भी नहीं, बिकेम, हो सकता है, हैप्पी मीन्स खुश, यानी कोई खुश नहीं हो सकता, आफ्टर मीन्स बाद में, टेकिंग अवे का मतलब होता है छीनना, और अदर्स फ्रीडम का मतलब होगा दूसरे की आज़ादी, यानी दूसरे की आज़ादी को छीन लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है खुश नहीं रह सकता, ये हम लोगों का आंसर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास में
बस इतना ही, आप लोगों को एक पार्ट और हम वीडियो कराएंगे जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चंस और हम कराएंगे, तो पूरी तरह से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है समझाने के चक्कर में, तो आप लोग वीडियो पर समय दिया करें और पूरा वीडियो फुल वॉच किया करें, तो आप लोगों का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर है वो हम 3 पार्ट में कराए हैं, आप लोग उसको सर्च कर लीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देखिए। और इसका जो 60 क्वेश्चन आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 25-30 आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखें। और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे या क्लास में पढ़ ही चुके होंगे, तो पूरी तरह से ये चैप्टर आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।